हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TNPL के मैच नंबर 15 के बारे में दोस्तों, जो कि खेला जाएगा आज शाम को SS वर्सेस SMP के बीच। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक खास बात बता दूँ, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा बॉलर कहाँ बॉलिंग करता है, कृपया इसका जवाब दे दीजिए। कोई बॉलर अगर किसी टीम के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसको पूरे पूरे ओवर मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे के मैच के रिकॉर्ड देखने होते हैं कि इस बॉलर ने इस टीम के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया था। हो सकता है वो कभी बॉलिंग ना कर रहा हो, लेकिन अगर उसने उस टीम के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस किया हो तो उसको मौका मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं और बॉलिंग करने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप क्वालिटी के मैच खेलते हो तो क्वालिटी मैच में बॉलर की जो लाइनअप होती है, जो बॉलिंग ऑर्डर होता है, उनको बॉलिंग वहीं पर मिलती है हमेशा और वहीं बॉलिंग करते हैं। लेकिन जो लीग होती हैं, आपकी जितनी भी लीग चल रही हैं, इन लीग में कोई फिक्स नहीं होता। कई बार क्या होता है कि किसी टीम ने अगर पहले बैटिंग की और उसने 120-130 रन का स्कोर बनाया और सामने वाली टीम ने उनके सारे विकेट गिर दिए और उनको उनको 2 या 3 ओवर में 50 या 60 रन चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उन्हें पता होता है कि हम ये मैच विन कर गए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कप्तान किसी भी बॉलर को बॉलिंग दे देता है कि आप भी बॉलिंग करके देख लो, जिसने कोई बॉलिंग की ना हो, क्योंकि उनको पता है मैच तो हम विन कर ही गए, तो वो भी बॉलिंग एक दो बार दोस्तों कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में ये होता है। और किस एक कंडीशन होती है कि किसी टीम ने 200 के पार स्कोर पहुंचाया और बाद वाली टीम बॉलिंग कर रही है, या टीम पहले बॉलिंग कर रही है और किसी को भी विकेट नहीं मिल रहा, मेन बॉलर को किसी को विकेट नहीं मिल रहा, तो उस टाइम पर पार्ट टाइम जो बॉलर होते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल दूँ, आपका केरन पोलार्ड पार्ट टाइम बॉलर, तो ऐसे में 7 या 8 बॉलर को उठा के लाती है टीम और उसको बॉलिंग देने का मौका देती है और फिर वो वहाँ पे विकेट भी उसको निकाल लेता है। तो दोस्तों, इसलिए कुछ फिक्स नहीं होता, तो बॉलिंग ऑर्डर में कोई बॉलिंग कहीं कर लेता है, बस ये कंडीशन डिपेंड करती है। कोई बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है किसी टीम के अगेंस्ट तो उसके चांस पूरे हैं, बस उसके बारे में थोड़ा आपको पीछे के रिकॉर्ड 1-2 साल के रिकॉर्ड निकालने होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मैच के बारे में, लेकिन मैं आपके लिए रिकॉर्ड सारे निकाल के लिए आया हूँ, आज कौन कौन से बॉलर इंपैक्टफुल होंगे और कौन कौन से बैट्समैन। जितना रिकॉर्ड मुझे दोस्तों मिला, मैंने वो रिकॉर्ड निकाल लिया है और कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी इस चीज़ पे कि सामने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बैट्समैन कितने हैं। अगर राइट हैंड बैट्समैन ज़्यादा हैं सामने, तो लेग स्पिनर को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा आपको लेग स्पिनर ढूंढना, अगर टीम के पास होगा सामने। अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ज़्यादा हैं तो ऑफ स्पिनर को बॉलिंग करना दोस्तों मौका मिलेगा। अगर कोई रेगुलर बॉलर है ऑफ स्पिनर तो वो तो पूरे 4 ओवर करेगा अपने, या कोई पार्ट टाइम बॉलर भी है ऑफ स्पिनर बॉलिंग करता है तो उसे दोस्तों टीम बॉलिंग के लिए लेकर आएगी, तो ये टीम भी फैक्टर, ये फैक्टर दोस्तों काम करता है। इस फैक्टर से आप आराम से इन चीज़ों का पता दोस्तों लगा लोगे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं अब टीम के बारे में। दोस्तों, अगर बात कीजिए आपकी वेन्यू की, वेन्यू रहने वाला है आपका सलेम क्रिकेट ग्राउंड, और दोस्तों वेदर थोड़ा सा क्लाउडी चल रहा है वहाँ पे, हालांकि बारिश रुक गई है वहाँ पे और मौसम थोड़ा ठीक हो गया और शाम को मैच होने के चांस ठीक ठाक हैं सही समय पर दोस्तों। दोस्तों, अगर बात की जाए आपकी विनिंग चांस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, विनिंग चांस की बात की जाए आपकी, SS 45%, SMP 55%। दोस्तों, 45-55 का आंकड़ा है, लेकिन अभी एक मैच होने दो, इस ग्राउंड पे थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी टीम किस तरह परफॉर्मेंस करती है। लेकिन दोस्तों, इस ग्राउंड पे क्या है, अगर 55% SMP के चांस है तो SMP दोस्तों ये मैच विन कर सकती है, क्योंकि टॉस का इतना खास इशू मुझे देखने को यहाँ पे मिलने का नहीं। यहाँ पे चेस करते हुए टीम आराम से विन कर सकती है और आप पहले बॉलिंग करते हुए आराम से दोस्तों विन कर सकते हैं, लेकिन टीम किस समझदारी से खेलती है और कैसे बॉलिंग करती है वो फैक्टर यहाँ पे दोस्तों काम करता है। और आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम कैसे बना सकते हैं उस बारे में दोस्तों वीडियो में बात करेंगे, और कौन से प्लेयर आपके आज ट्रंप पिक साबित होने वाले, जो कि आज विकेट निकाल लेंगे, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता दोस्तों, उसी के बारे में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी SS के बारे में। दोस्तों, SS की जो प्लेइंग 11 है वो थोड़ी सी इस प्रकार है, आपने पिछले मैच में भी देखा होगा, हो सकता है इसी प्लेइंग 11 के साथ में उतरे और ये टॉप ऑर्डर बैटिंग करता आपको नजर आए। ए अमित सत, आर केविन, के गांधी, मान वफना, एस अभिषेक, एम अदनान, सन्नी संधू, अभिषेक तंवर, आकाश सुमरा, सचिन राठी, आर कार्तिके, एम जी मूर्ति। दोस्तों, ये SS की प्लेइंग 11 है आपकी दोस्तों, और इसके कौन कौन से बॉलर कहाँ बॉलिंग करते हैं उस बारे में दोस्तों बात करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, हमेशा क्वालिटी वाले मैच खेल लो आप, क्वालिटी वाले मैच में विन करने के चांस 80-90% दोस्तों होते हैं। और लीग वाले मैच, लीग सिर्फ एक ही बढ़िया, IPL की लीग है, अच्छी लीग है दोस्तों, वहाँ पे बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर का कंफर्म पता होता है। इन मैचों में तो प्लेयर को रोटेशन करते रहते हैं, आजमाते रहते हैं कि ये प्लेयर फॉर्म में नहीं आया, इसे बॉलिंग देगा जमा लो, इसकी फॉर्म वापस आ जाएगी, या किसी प्लेयर को उठा लाते हैं कि उसको ही बॉलिंग दोस्तों दे देते हैं।
तो दोस्तों ये आपके इस प्रकार के मैच हैं दोस्तों। वहीं अगर एसएमपी की बात की जाए, एसएमपी की तरफ से कार्तिक एस, हरी निशांत, जे कौशिक, वाशिंगटन स्वप्निल सिंह, के दीपेन, लिंगनेश, मुर्गन अश्विन, श्री अभिषेक एस, राहुल देव जी सिंह और आपका बालू सूर्या। दोस्तों ये एसएमपी की प्लेइंग 11 दोस्तों। तो दोस्तों हमारे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आपने देख ली। और दोस्तों अगर आपको विन करना है या अच्छी खासी अमाउंट जीतनी तो आपको टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनाना होगा, आपको टीम कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। कई बार एक खिलाड़ी ही पूरी टीम दोस्तों ख़राब कर देता है। अगर उसका टीम कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो कभी भी टीम विन नहीं करती दोस्तों, एक खिलाड़ी ही सारा गेम बिगाड़ देता है। हम सोचते हैं कि ये ओपनिंग बॉलिंग करेगा और वो ओपनिंग बॉलिंग नहीं करता दोस्तों, तो सारी टीम हमारी ख़राब दोस्तों हो जाती है। ऐसे ही बैटिंग ऑर्डर में अगर हमें लगता है ये बैटर ओपनिंग में आएगा हम उसके अकॉर्डिंग रखते हैं, सामने के बॉलर भी उसके अकॉर्डिंग लेते हैं कि ये इनको अटैक करेगा, ऐसा ना हो मैच में तो दोस्तों सारी टीम दोस्तों ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर मैच हमारे अकॉर्डिंग हो जाता है तो दोस्तों फिर हम विन भी अच्छा खासा दोस्तों करते हैं। कल के मैच में मैंने वीडियो तो बनाई है लेकिन मैंने टेलीग्राम पर टीम दी थी आपको, उसमें मैंने कैप्टन एल कुमारा दिया था और वाइस कैप्टन मैंने हसरंगा दिया था। हसरंगा मैंने वाइस कैप्टन इसलिए दिया था कि इसकी परसेंटेज काफ़ी हाई थी, 45% उसकी कैप्टनसी थी, तो इसलिए मैंने वीसी दिया था वो। और दोस्तों 8 या 9 खिलाड़ी हैं कम से कम ड्रीम टीम में, अगर कोई स्मॉल लीग में इस टीम को खेलता तो अच्छा खासा दोस्तों विन करता। तो ऐसे ही बहुत सारे मैच दोस्तों आगे आएंगे और उनको हम कवर करेंगे, एक से एक मैच आएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं इनके बॉलर की, कौन बॉलर कहाँ पर बॉलिंग दोस्तों कर सकता है। एस एस के अगर बात की जाए, एस एस के पास बॉलर दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोस्तों 6 बॉलर एस एस के पास हैं। अभिषेक तंवर, सन्नी संधू, सचिन राठी, के कार्तिकेय, एम जी मूर्ति और आकाश सुमरा दोस्तों, ये 6 बॉलर हैं। और 2 बॉलर दोस्तों कन्फर्म हैं इनके कि ओपनिंग में दोस्तों बॉलिंग कर रहे हैं, अभिषेक तंवर और सन्नी संधू। और इन 4 बॉलर का दोस्तों कोई फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे दोस्तों हो सकते हैं दोस्तों। इनके पास एक भी लेग स्पिनर बॉलर नहीं है और सामने वाली टीम के पास राइट हैंडेड बैट्समैन ज़्यादा हैं, तो हो सकता है आज ये कोई स्पिनर खिलाए। अगर वो लेग स्पिनर हुआ तो टीम में आप दोस्तों जरूर पिक कर लेना। अभी मुझे कोई लेग स्पिनर इनके पास नज़र नहीं आया, कोई पार्ट टाइम होगा और बॉलिंग ना करता हो तो वो अलग बात है, लेकिन इनके पास अभी कोई लेग स्पिनर भी नज़र नहीं आया, ऑफ स्पिनर ही दोस्तों देखने को मिले दोस्तों। वही अगर बात करें आपकी एसएमपी के बॉलर के बारे में दोस्तों, एसएमपी के बॉलर राहुल देव जी सिंह, स्वप्निल सिंह, जे कौशिक, बालू सूर्या, मुर्गन अश्विन और वाटिंगटन सुंदर दोस्तों। जे कौशिक पार्ट टाइम बॉलर है, 30 नंबर पे खेलने खतर आ रहा है, 1-2 ओवर ही करता है। और किस कंडीशन में ओवर करता है, उस कंडीशन में जब दोस्तों बिल्कुल भी बॉलर को विकेट नहीं मिलते, तो इसको तो आप दबी बॉलिंग के लिए लेना जब आपको लगता है कि सामने वाली टीम के विकेट नहीं गिरने के या सामने वाली टीम मैच विन करेगी, तब इसको दोस्तों लेना। अगर ये एसएमपी जीतते तो इसकी बॉलिंग की जरूरत नहीं है, बैटिंग के हिसाब से इसको दोस्तों ले सकते हो। ऐसे ही दोस्तों आपके बॉलर यहाँ पे हैं, ये स्वप्निल सिंह भी दोस्तों इस तरह के बॉलर है आपका, आप पार्ट टाइम ही समझ के चलो। लेकिन दोस्तों आपको एक बात मैं बता दूँ आज के मैच में इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनके पास 2 लेग स्पिनर हैं, बालू सूर्या और मुर्गन अश्विन, दोनों ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आज पीक होंगे दोस्तों, क्योंकि सामने भी राइट हैंड बैट्समैन है तो इनको प्रमोट ज़्यादा दोस्तों किया जा सकता है बॉलिंग के लिए। हालांकि बालू सूर्या ने बहुत कम ओवर फेंके इन मैचों में, लेकिन आज के मैच में ही आपको ओवर करता हुआ नज़र दोस्तों आ सकता है, 2 या 3 ओवर अगर इसको विकेट मिलता है और कम इकनो भी रहती है इसकी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर दोस्तों दिए जाएंगे। तो आप इन दोनों को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना दोस्तों बॉलर को। दोस्तों अब बात करते हैं अपनी ग्रैंड लीग टीम के बारे में, किस प्रकार हम ग्रैंड लीग की एक बेहतरीन टीम दोस्तों बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसएस के बारे में दोस्तों, अगर एसएस पहले बॉलिंग करती है तो किस तरह की हमारी टीम होगी दोस्तों। बॉलिंग अगर एसएस पहले करती है तो अभिषेक तंवर, सनी संधू में से हमें एक बॉलर पिक करना। अब आप जिसको अपनी टीम में पिक करना चाहो आप कर सकते हो, मैं दोस्तों सनी संधू के साथ जाऊँगा और सचिन राठी और आपका यहाँ से के कार्तिकेय और एम जी मूर्ति दोस्तों, मैं 4 बॉलर लूँगा, 1, 2, 3, 4 4 बॉलर लूँगा दोस्तों, 3 बैट्समैन लूँगा विकेट कीपर सेक्शन से, आर केविन और आपका के गांधी, 3 बैट्समैन दोस्तों और 4 बॉलर दोस्तों। मैं इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन से बनाऊंगा मैं सनी संधू और वाइस कैप्टन बनाऊंगा दोस्तों अमित को, और सनी संधू के साथ एक और कैप्टन लगाऊंगा दोस्तों मैं यहाँ से आपका एस राठी और फिर वीसी, दोनों टीमें दोस्तों मेरा वीसी ये रहेगा, कैप्टनसी मेरी दोस्तों चेंज हो जाएगी दोस्तों। ये बात होगी हमारी एसएस की तरफ से। और एसएमपी के 4 बॉलर हमारे लिए कौन कौन से होंगे दोस्तों, एसएमपी के लिए 4 बॉलर, 2 बॉलर दोस्तों हमारे यहाँ से पिक बालू सूर्या और मुर्गन अश्विन दोस्तों, 2 बॉलर हमने पिक कर लिए, और 2 बैट्समैन लेंगे जे कौशिक और सुंदर दोस्तों। 4 प्लेयर हमारे यहाँ से एसएमपी की तरफ से दोस्तों हो गए अगर ये टीम पहले बॉलिंग करती है। वहीं दोस्तों अगर ये टीम पहले बॉलिंग करती है तो किस प्रकार की टीम दोस्तों हम बना सकते हैं दोस्तों। ये टीम बॉलिंग करती है तो राहुल देव जी सिंह में से एक लेंगे मैं दोस्तों, राहुल देव के साथ जाऊँगा और यहाँ से स्वप्निल सिंह और आपका यहाँ से मुर्गन अश्विन
और सुंदर सा जाऊंगा, 1 2 3 4 चार बॉलर में यहाँ से पिक करूंगा, 3 बैट्समैन आपके टॉप ऑर्डर के, 3 बैट्समैन सुंदर यहाँ पे दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में आ गया है, तो 4 हमारे पास बैट्समैन भी कवर हो गए दोस्तों। वहीं कैप्टनसी बात की जाए तो कैप्टनसी में यहाँ से जी सिंह के साथ कैप्टनसी रखूंगा, और वाइस कैप्टनसी कार्तिक के साथ आपका कार्तिक एस के साथ में, और एक कैप्टन में यहाँ से दोस्तों मुर्गन अश्विन को बनाऊंगा और वाइस कैप्टनसी के साथ कार्तिक के साथ जाऊंगा। वहीं दोस्तों SS के 4 प्लेयर हमारे पास कौन कौन से होंगे, के गांधी दोस्तों यहाँ से, और यहाँ से आपका एस अभिषेक, 2 प्लेयर दोस्तों यहाँ से लेंगे और 2 बॉलर लेंगे दोस्तों। बॉलिंग में यहाँ से MG मूर्ति को लूँगा और आपका अभिषेक तंवर को लूँगा दोस्तों। ये हमारे दोनों के कॉम्बिनेशन हो गए टीम के पहले बॉलिंग करते हुए, और अगर टीम पहले बैटिंग करते हुए जीतती है दोनों में से तो किस प्रकार कॉम्बिनेशन सेट करेंगे दोस्तों। अगर टीम पहले बैटिंग करते हुए जीतती है तो यहाँ से अमित सत विकेट कीपर में से लेंगे, आर केविन को लेंगे, के गांधी, अरमान बपना अगर 4 नंबर पर आ रहा है, अगर बैटिंग ऑर्डर चेंज होता है तो इसमें से 2 भी अच्छा बॉलर होगा आपका, ऐसे भी से एक प्रमोट होता है तो अभिषेक को या मान बपना को, 4 बैट्समैन दोस्तों यहाँ से लेंगे। और बॉलिंग सेशन से हम यहाँ से लेंगे अभिषेक तंवर, संदीप संधू, और आपका यहाँ से आर कार्तिके, इन दोनों में से तो हम एक को ड्रॉप दोस्तों कर सकते हैं, अभिषेक तंवर को ड्रॉप कर सकते हैं और सचिन रट्टी साथ में दोस्तों जा सकते हैं सेम। और कैप्टन से इन दोनों में से एक कैप्टन, आर केविन या अमित शाह, ग्रैंड लीग जीतने तो आर केविन साथ जाएंगे, बहुत कम परसेंटेज है दोस्तों, और वाइस कैप्टन से लगाएंगे हम यहाँ से संदीप संधू के साथ में। 4 बैट्समैन यहाँ से कौन होंगे, सबसे पहले बॉलर की बात करते हैं, बॉलर मुर्गन अश्विन, बालू सूर्य में से एक मुर्गन अश्विन साथ जाऊंगा दोस्तों, और यहाँ से जाऊंगा मैं आपका राहुल देव के साथ में, बैट्समैन वर्षिंग सुंदर, और आपका यहाँ से जे कौशिक, 4 प्लेयर दोस्तों हमारे यहाँ से हो गए। वही दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं टीम प्रोवाइड करवा रहा हूँ, फ्री टीम दे रहा हूँ दोस्तों, और अच्छी खासी टीम निकल रही है, क्योंकि एंड टाइम पे कौन से प्लेयर खेलते हैं वो पता टॉस से बात लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी टीम बनाते हैं। ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इन इन्फॉर्मेशन से आप अच्छी खासी अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो इस आइडिया को लेकर कि हाँ ये आइडिया काम करता है, बाकी आप थोड़ा सा अपना खुद का माइंड भी लगा सकते हो दोस्तों, उससे भी आप एक अच्छी खासी टीम क्रिएट कर लोगे, आइडिया आपके बहुत काम आएगा दोस्तों। अगर ये टीम पहले बैटिंग करती है SMP तो यहाँ से कार्तिक, हरी, ये आपका हरी निशांत, जय कौशिक, सुंदर, 4 प्लेयर दोस्तों इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं यहाँ से। और बॉलिंग से आपका राहुल देव, जय सिंह, और आपका यहाँ से मुर्गन अश्विन, 3 प्लेयर दोस्तों यहाँ से हो गए, कैप्टनसी कार्तिक और हरी रन, ग्रैंड लीग जितनी तो कम परसेंट वाला कैप्टन पकड़ना, और आप अगर सेफ चाहो तो हाई परसेंट दोस्तों पकड़ सकते हो, और वाइस कैप्टनसी जी सिंह के साथ में या आपका यहाँ से सुंदर के साथ में दोस्तों जा सकते हो आप, कि बैटिंग भी करेगा और बॉलिंग भी करेगा। वहीं 4 प्लेयर दोस्तों यहाँ से कौन से होंगे, के गांधी दोस्तों इंपॉर्टेंट पिक रहेगा आपका, और अभिषेक इंपॉर्टेंट पिक रहेगा यहाँ से, अभिषेक की जगह आप यहाँ मान बपना को आजमा सकते हो, क्योंकि कभी भी पार्ट टाइम बॉलिंग भी दोस्तों कर लेता है दोस्तों। बॉलिंग सेक्शन से अभिषेक तंवर और के कार्तिक है, 2 बॉलर दोस्तों यहाँ से हमें लेने। तो दोस्तों हमारे 4 कॉम्बिनेशन दोस्तों हमारे हो गए पहले बॉलिंग करते हुए बैटिंग करते हुए, इसके अलावा 3-4 कॉम्बिनेशन दोस्तों हो रहे हैं, लेकिन उनकी इन मैदान पर जरूरत नहीं पड़ने की, उनके लिए तो मैं आपको टीम प्रोवाइड करा दूँगा और समझा भी दूंगा। आगे आगे और जबरदस्त वीडियो आएंगी और ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आएंगे, कोई भी मैच आपसे बिल्कुल चूकने का नहीं दोस्तों, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, ग्रैंड लीग विन करने के सारे फंडे आपको सिखा दूँगा दोस्तों। आप जाकर टेलीग्राम पर देख लो, अभी भी टीम पड़ी हुई है, कैप्टन और वाइस कैप्टन तो आपको यहाँ पे हर मैच में दोस्तों ठीक ठाक ही मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कैप्टन कौन बनेगा और वाइस कैप्टन दोस्तों कौन बनेगा। बाकी प्लेयर रोटेशन आप अपने अपने दिमाग से भी दोस्तों कर सकते हो, अगर आपको प्लेयर कोई पसंद है परफॉर्मेंस के हिसाब से आप चाहो तो उनको भी टीम में पिक कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन करें, और फटाफट वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।